इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो अब फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जो इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, फिलहाल कुछ बेसिक फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन है वो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके आ जाएंगे। चलो ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन अलग से चैप्टर दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं आपको वहाँ डिटेल में समझाऊंगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और पाँच छः टाइप के इवन एंड ऑड फंक्शन, उनकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्स्टेंट फंक्शन, नाम से ही पता है चल रहा है कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगा फंक्शन। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। सपोज आपको जैसे ये दे रखा है, जैसे इसको डिनोट कैसे करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, सी का मतलब क्या है कॉन्स्टेंट। तो एक बात बताओ, जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम तो कैसे आएगा, ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे आपके पास क्या आएगा, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू है वो क्या रहेगी, फंक्शन की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होगी। तो अपने ग्राफ जब इसका ड्रॉ करेंगे तो जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये दे रखा आपको कॉन्स्टेंट, मैं कौन जैसे मैं इसको मान लेता हूँ 2, तो क्या है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आपके पास कॉन्स्टेंट मान लिया 2। तो देखो जैसे ही मैं वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँ तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 2 ही आएगा, कॉन्स्टेंट है, कोई प्रॉब्लम परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। एफ ऑफ 2 कितना आएगा 2, एफ ऑफ 3 कितना आएगा 2, एफ ऑफ 4 कितना आएगा 4, यानी मैं x की वैल्यू जो मर्जी पड़े वो पुट करूं बट कॉन्स्टेंट है तो कोई चेंज नहीं हो रहा, यस और नॉट, कॉन्स्टेंट है कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ, जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आपका ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। तो देखो x y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो सपोज यहाँ आपके पास ये 0, ये 1 और ये हो गया 2, तो 2 आ गया। देखो x की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी, 1 पुट करी, तो 1 यहाँ आएगा, फिर मैंने 2 3 4 और 5, देखो x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली, x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली, x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली 2, x की वैल्यू मैंने 4 पुट करी तो भी 2, 5 फुट करूंगा तो भी 2, 6 फुट करूंगा 2, ऐसे आपको इसी प्रकार आप कोई भी वैल्यू पुट करो y की सॉरी x की, आपको क्या मिलेगा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी 2 ही मिलेगा ओनली, कोई भी वैल्यू पुट करो देखो 2 2 2 मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ कुछ जब आप इस लाइन को मिला दोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये क्या है लाइन y इक्वल टू 2, कांस्टेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि ये पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के। तो देखो इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये मैं पूरा डिटेल में डिस्कस आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन में। फिलहाल देखो जो स्लोप 0 है तो आप ये m क्या है, स्लोप ढाल, तो रेखा का जो ढाल है वो क्या होगा 0 हो गया, तो आप 0 इंटू एक्स करोगे एक प्लस सी, तो क्या आ गया आपके पास y इक्वल टू सी टेन थीटा, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री होता है तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी टेन 0 कितना होता है 0, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो कॉन्स्टेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया, ये कुछ इस प्रकार का फंक्शन होगा, जब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, x की कोई भी मर्जी पड़े वो वैल्यू पुट करो, आपको जो वैल्यू आप पुट करोगे वही वैल्यू कहाँ मिलेगी, y की मिलेगी, वही वैल्यू क्या मिलेगी, इसको क्या पढ़ोगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यस और नॉट, मैंने आपको पढ़ा रखा, आपको क्या पढ़ोगे इसको, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसको गलती से ये मत पढ़ देना f इंटू एक्स,
इसे पढ़ा करते हो एफ ऑफ एक्स, क्या पढ़ोगे एफ ऑफ एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन चल रहा था, अब इस पे आ जाओ। तो y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है x, y इक्वल टू क्या दे रखा है x, तो देखो y इक्वल टू x दे रखा है। तो इसका आपने ग्राफ ड्रॉ अगर करेंगे तो ये y इक्वल टू x दे रखा है। सपोज मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, 0 पुट करी तो कितना मिला y इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y इक्वल टू 1, x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो y इक्वल टू 2, x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी तो y की वैल्यू भी 3, 4 पुट किया तो y इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, जो पुट कर रहा हूँ, वही वैल्यू अपने को y में मिले, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ आपका ये आ गया वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्स और एक्स डैश। तो देखो y की वैल्यू मैंने, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो 0 यहाँ आया, फिर मैंने 1 पुट करी, फिर 1 2 3 ये आ गया, 4 5 ये आ गया, सपोज 1 2 3 4 और 5। तो देखो x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करूंगा तो y भी 2, 3 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा y भी 3, फिर मैंने 4 पुट किया तो 4, 5 पुट किया तो 5। तो कुछ आपके पास ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, ये क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी जो वैल्यू x की है रखोगे आप वही आपको y की मिलेगी। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा आपको, डॉट डॉट लाइन को जब आप मिलाओगे यूं मिलाओगे तो आपके पास कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ जाएगा। इसे बोलते हो आप आइडेंटिटी फंक्शन। और ये स्लोप आपका कितना हो जाएगा 45 का, 45। तो देखो जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखो जब थीटा इक्वल टू 45 है तो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा, थीटा क्या आ गया 45, थीटा टेन थीटा कितना आ गया 45, थीटा की वैल्यू 45 है तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो आप जब यहाँ 1 पुट करोगे, m m इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो आपके पास क्या आया 1 इंटू एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 45 और टेन 45 कितना होता है 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया x प्लस सी, y इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, तो ये हो गया x। तो इसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको ग्राफ मिलेगा, कब, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो जब आप 1 पुट करोगे तो y की भी वैल्यू 1, 2 पुट करोगे तो इसकी भी वैल्यू 2, जैसे ये डॉटेड लाइन को आप मिलाओगे तो आपको ग्राफ मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 45। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मोड फंक्शन। देखो सबसे पहली बात, मोड फंक्शन में मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, यानी आप मोड के अंदर कोई भी वैल्यू रखो वो पॉजिटिव कर देता है। जैसे -3 रखा आपने तो वो 3 होगा, -2 रखा तो 2 रखा, सॉरी 2 होगा, -1 रखा तो 1 हो गया, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है फिर 3, और ये सिंबल होता है मोड का, ये क्या होता है, ये सिंबल होता है, 2 रखा तो 2, प्लस तो प्लस रहेगा ही, यानी -2 रख दो तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव आनी थी। तो आप मॉडुलस का मेन पर्पज क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। अब डिस्कस करते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है y इक्वल टू, नेक्स्ट थर्ड टाइप पे आ जाओ, मॉडुलस फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले कॉन्स्टेंट पढ़ा, उसके बाद में आइडेंटिटी पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस से इनका सॉल्यूशन बताऊंगा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। चलो बने रहिए हमारे साथ, आ जाओ अब थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं, मॉडुलस फंक्शन।
तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मोड का काम क्या होता है? मैंने बोला था सिंबल होता है ये मोड का, और मोड का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना, यानी आप मोड में जब आप नेगेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सपोज आप क्या दे रखा है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, कुछ इस तरह दे रखा है, यानी ये आपके पास क्या है? फंक्शन है, एक्स का फंक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास ये दे रखा है तो मैंने आपको बोला था कि ये जो मोड है उसका काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो जब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा और ये लिखा एक्स और माइनस एक्स, कब? एक्स जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और ये लेस देन जीरो। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या सही लिखा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी आप जब पॉजिटिव वैल्यू रखोगे मोड के अंदर। सपोज एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक बार देखो ध्यान से। तो वाई इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है इक्वल टू मोड एक्स, तो मैंने देखो सबसे पहले मैं जीरो रख रहा हूँ, तो जीरो मोड के अंदर क्या हो गया? जीरो। वन रखा वन, टू रखा टू, थ्री रखा थ्री। पॉजिटिव वैल्यू या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो पॉजिटिव आएगा आंसर। तो क्या हुआ? एक्स जब पॉजिटिव वैल्यू आप रखोगे मोड के अंदर तो पॉजिटिव के साथ ही रहेगा, और जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो मैंने माइनस एक्स क्यों रखा? देखो जैसे मैं मोड के अंदर ले रहा हूँ वाई इक्वल टू, ये लिया मैंने माइनस थ्री, तो ये क्या होगा आपके पास? थ्री होगा, क्योंकि मोड का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना, बट मैंने यहां माइनस एक्स लिखा क्यों? देखो जैसे मैंने यहां एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या है? माइनस एक्स। ये आप मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो मैंने ले लिया माइनस की बात कर रहा है, तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है, तो देखो मैंने एक्स की वैल्यू माइनस टू ली, माइनस टू ली, तो देखो मोड के अंदर माइनस टू लिखूंगा, मोड के अंदर माइनस टू लिखूंगा, और माइनस एक्स हमारा फंक्शन क्या है? माइनस, यानी पहले माइनस भी लिखूंगा, तो ये क्या आएगा? मोड के अंदर जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो हो गया टू, ये तो हो गया टू। मोड का काम क्या होता है? मैंने बोला था नेगेटिव को पॉजिटिव करना, यस और नो। तो ये हो गया टू और बाहर माइनस, तो क्या आ गया? माइनस टू। तब मैंने क्या लिखा? माइनस एक्स। कब? जब लेस देन जीरो। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने ले लिया माइनस थ्री, माइनस थ्री ले लिया, तो देखो एक्स हमारा फंक्शन क्या है? माइनस एक्स। इसकी बात करो ये एक्स लेस देन थ्री है, सॉरी एक्स लेस देन जीरो है। तो देखो आप मोड के अंदर जब माइनस थ्री रखोगे, मोड के अंदर रखोगे, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव काम है, इसका नेगेटिव को पॉजिटिव करना मैंने बोला था, और माइनस ये पड़ा है ये वाला, तो यहाँ माइनस भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो थ्री पॉजिटिव हो गया और माइनस थ्री आया इसका आंसर। तो क्या होगा जब इसके अंदर नेगेटिव आप वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? माइनस के साथ लेस देन और जीरो होगा, तब माइनस के साथ खुलेगा मोड। तो इसकी ये प्रॉपर्टी हुई कि जब एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तब तो ये पॉजिटिव आना ही है, और ये तो मोड का काम तो क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना। बट ये माइनस एक्स किसकी बात कर रहा है? जब मोड के अंदर कोई भी वैल्यू रखो, आप माइनस रखोगे तो वो भी प्लस हो जाएगी, मैंने आपको बताया था। बट माइनस इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाहर भी माइनस है, इसके बाहर भी माइनस, तब क्या होगा? माइनस टू। तभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप, मैं वापस से बता दूंगा। तो इसका जब अपने ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो अब यहाँ ये हो गया आपका वाई और ये हो गया एक्स, एक्स डैश और वाई डैश, वाई डैश। तो देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू मैं वन पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? वन मिलेगी। एक्स की वैल्यू मैं वन पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? वन मिलेगी। फिर एक्स की वैल्यू मैं टू पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? टू मिलेगी। फिर थ्री तो थ्री, फोर तो फोर, वाई इक्वल टू एक्स है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, यही तो है। तो देखो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा, यस और नॉट, वाई इक्वल टू एक्स। और जब मैं माइनस में वैल्यू पुट करूंगा तो देखो माइनस एक्स इस तरफ होगा,
माइनस एक्स इस तरफ हो गया, ये हो गया वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, यूँ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस एक्स पुट करूँगा तो भी वैल्यू वाई की क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यानी आप एक्स की वैल्यू माइनस रखोगे तो भी वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये वन टू थ्री सपोज यहाँ क्या है फोर, तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो मोड का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे, इवन ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है, और इवन फंक्शन और ओड फंक्शन है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।